हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 23 दिसंबर है। आज हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में। तो चूंकि आज संडे है और मार्केट आज क्लोज होता है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं यस बैंक के लिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, यस बैंक बहुत वोलेटाइल स्टॉक है इस टाइम, चूंकि ये बहुत ऊपर से नीचे गिरा है। और देखिए इसमें जो ट्रेड हो रहा है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको देख के समझ में आएगा कि लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। देखिए 4 करोड़, क्योंकि इसमें जो ट्रेड हुआ था लास्ट, आप देख सकते हैं फ्राइडे को, वो 4 करोड़ के तकरीबन हुआ है। और देखिए जो डिलीवरी हुई है वो 70 लाख के करीब, और देखिए यानी कि 17% इसमें डिलीवरी हुई है परसेंटेज वाइज। और देखिए कुछ बाइंग क्वांटिटीज भी लगी हुई थी 112, तो चलिए बहुत छोटी सी नेग्लिजिबल बाइंग क्वांटिटीज है। तो देखिए प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि थर्सडे को, वो 186.75 थी। देखिए ये ओपन हुआ 180 पे जैसी कि उम्मीद थी, और इसने एक हाई भी लगाया 188.45, यानी कि 45 रुपए का एक हाई भी बनाया, 45 पैसे का। और देखिए एक लो बनाया 180 का, और देखिए ये इसका लो था। और देखिए जो क्लोज हुआ ये वो हुआ 182.95। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से और इसकी क्लोजिंग को अगर आप मैच करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं गिरावट है, और गिरावट की जो वजह है वो भी साफ है, वोलेटाइल स्टॉक है। लेकिन जो लो बनाया उससे ऊपर जाके क्लोज हुआ, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो ये बताता है कि जो इसकी मजबूती है। देखिए लो को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये वो लो है जो कि सबसे स्ट्रांग इसका लेवल है, जिसको इसने ब्रेक नहीं किया, तो जो कि एक अच्छी बात है। अभी भी मजबूती जो है वो 180 पे ही बनी हुई है। तो चलिए इसके लिए फिर हम इसकी ऑप्शन चैन देखेंगे, जिससे हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख पाए, और टेक्निकल के लिए हम इसका टेक्निकल चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ। देखिए मैंने फिबोनाची लगा रखा है, जिससे हमें लेवल्स पता चल सके कि किस तरीके से स्टॉक नीचे गिरेगा और किस तरीके से ये ऊपर और कितने जोन में रह सकता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब स्टार्टिंग में मार्केट ओपन हुआ, ये देख सकते हैं आप, मैंने 15 मिनट पे कैंडल लगा रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 15 मिनट पे मैंने कैंडल लगा रखी है, वन डे पे मैंने चार्ट को सेट किया है। ये देख सकते हैं आप प्रीवियस डे जो कि 21 दिसंबर है, और देखिए जिस दिन मार्केट ये खुलता है उस दिन, देखिए आप पहले ही खुलते, देखिए ये जैसी कैंडल्स बनती है आप समझ लीजिए मार्केट जो है वो बेयरिश है। ये देखिए 3 ब्लैक क्राउज बनी है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्राउज रहे जिन्होंने बता दिया कि मार्केट पूरी तरीके से एक सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश है। और देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूजर बनाने की कोशिश की गई है। अब देखिए ट्यूजर क्या होता है, एक्चुअली जब डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें अगर ये जो हमारी ग्रीन वाली कैंडल है, अगर ये बिल्कुल ऐसे होती इस तरीके से, और ये इनके लेवल्स एकदम सेम है, तो देखिए ये होता है इंडिकेशन कि मार्केट को बुल्स ने कैप्चर कर लिया, और फिर ये मार्केट इस तरीके से भागता ऊपर। चूंकि ऐसा नहीं था, सिर्फ एक कोशिश की गई थी जो कि नाकाम थी, इसलिए देखिए मार्केट बस हल्का सा ऊपर गया, और उसमें नीचे आप देख सकते हैं नीचे नीचे नीचे। और लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि मार्केट जाते जाते एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखे गया है, जो कि एक बुल साइन है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि ट्यूजर भी नहीं बना, और ट्यूजर देखिए होता क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं, डाउन ट्रेंड में अगर ये वाली कैंडल जो है बिल्कुल सेम लेंथ की होती जितनी ये रेड वाली कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल भी इसके बराबर होती है, नीचे भी लेवल्स एकदम सेम होते जो कि अभी दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्यूजर होता, और देखिए ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो, और बेसिकली इस स्टॉक के अंदर तो मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, सब इंट्राडे में लगे हुए हैं, क्योंकि 4 करोड़ की हमारी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिनमें से 70 लाख सिर्फ डिलीवरी हुई है। तो आपके लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये कैंडल पढ़नी बहुत जरूरी है कि आनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं हमारे फिबोनाची के लेवल्स क्या बता रहे हैं। तो देखिए अब आप देखिए जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो आप देखिए किस तरीके से नीचे आता है, देखिए इसके कुछ एक रेशियोज होते हैं, ये चूंकि इसने एक हाई बनाया जो हमें एक हाई मिला था, और देखिए आप नीचे देखिए एक लो बनाया इसने, तो मैंने इसको ले जाके सीधे लो से मैच किया, ठीक है, इसको मैंने सेट कर दिया है, और इसने अपने लेवल्स दिखाए। देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं, और आप में से मैक्सिमम लोग सब जानते होंगे कैसे लगाते हैं, 0%, 38.2%, 50% और 61.0%, और देखिए 100%। अब इनका मतलब क्या, देखिए एक रेशियोज होते हैं, ये एक तरीके की सीढ़ियां होती है कि स्टॉक अगर नीचे आएगा या ऊपर चढ़ेगा तो इन रेशियोज में ही आके कुछ ना कुछ करेगा, इन पे ही आएगा, इनसे नीचे जाएगा और इनसे ऊपर बढ़ेगा, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नीचे की तरफ ये आता है,
और देखिए ये जीरो वाले जोन में आता है, उसके बाद देखिए यहीं से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो देखिए उसके बाद ही 50% में पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए उसके बाद ही 50% से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है 61, यानी कि इस वाली सीढ़ी में पहुंचता है, फिर यहां से नीचे उतरता है और देखिए फिर पहुंचता है 38.2% वाली में। उसके बाद देखिए फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है सीढ़ियों से 61.08% के बाद, फिर देखिए थोड़ी देर यहीं पे स्टे करता है यानी कि 50% पे, तब फिर नीचे उतरता है सीढ़ी से और नीचे उतरता है 38.2%, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाता है और देखिए बिल्कुल 0% पर टच करता है और देखिए उसके बाद फिर यहाँ तक जाने की कोशिश करता है। तो देखिए आपको इस तरीके से चीजों को समझना है, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते टाइम, क्योंकि देखिए सीढ़ियों का अपना चढ़ने का रुझान और उतरने का एक रुझान रहता है, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाला स्टॉक, इसी के बीच में कहीं ना कहीं या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाता रहेगा। तो देखिए जो कि एक बुलिश कैंडल बनी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कल ऊपर जाना चाहिए और वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स बन रहे हैं जो कि मैं ऑप्शन चैन में भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पिवोट पॉइंट्स में लेवल भी चेक करा देता हूं जिससे आप उसे और अच्छे से समझ पाए। तो देखिए अब ये देखिए आप मैंने इसको भी यहां लगा रखा है, 15 मिनट पे कैंडल लगा रखी है वनडे पे, तो देखिए ये नीचे गिरा और उसके बाद देखिए ये पिवोट लाइन के पास है, मैंने लेवल्स लगा रखे हैं। आप नीचे देखेंगे तो नीचे इसका सपोर्ट है 180.77 जो कि इसका सपोर्ट बना हुआ है। उसी तरीके से इसका जो रेजिस्टेंस ऊपर वो मैं आपको चेक करा देता हूं जो कि पिवोट पॉइंट बनाता है 190.22 जो कि इसका रेजिस्टेंस है। हालांकि हमें इससे भी मतलब नहीं है क्योंकि पिवोट पॉइंट की पिवोट लाइन के नीचे है अभी, ठीक है, लेकिन जैसे ये खुलेगा मुझे लगता है ये पिवोट लाइन से ऊपर जाएगा और पहले रेजिस्टेंस 190 को कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। तो देखते हैं फिर ऑप्शन चैन किस तरीके से हमें एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है। तो चलिए मैंने लगा रखा है तो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये आप चेक कर लीजिए, ये यस बैंक का है 21 दिसंबर का। तो देखिए ऑप्शन चैन का ये, अब मैं आपको बता देता हूं कि हमें पुट के लिए, देखिए पुट के लिए हम पुट से हम सपोर्ट को जांचेंगे और देखिए कॉल से हम रेजिस्टेंस को जांचेंगे। तो हमारे पहले सपोर्ट देख लेते हैं, देखिए सपोर्ट कैसे जांचते हैं, ये जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है ये टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट होता है और ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कि प्रीवियस डे से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस डे में जो चेंज होता है पिछले दिन से और हमारा जो एग्जिस्टिंग डे होता है उसमें जो चेंज होता है वो यहाँ पे माइनस और प्लस की फॉर्म में लिखा रहता है। अब माइनस का मतलब होता है कि हमारे इतने ऑर्डर कटे हैं और प्लस का मतलब होता है इतने ऑर्डर आके जुड़े हैं। तो चलिए हमारा एट द मनी अगर स्टॉक कहीं है तो मैं आपको बता दूं, देखिए वो यहाँ पे है 180 से 185 के बीच में, ठीक है। देखिए ये इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो येलो वाले हैं और ये जो नीचे व्हाइट वाले होते हैं ये आउट दी मनी होते हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे जब आप पर्सनली देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये जो होते हैं इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां से जो वैल्यू हमारा स्टॉक पार कर चुका होता है यानी कि रीच कर चुका होता है, और ये आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट वे होते हैं जहां पे भी हमारा स्टॉक पहुंच सकता है या पहुंचेगा, ठीक है। उसी तरीके से पुट्स में वाइस वर्सा होता है, उल्टा यहाँ पे ये होते हैं इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर होते हैं आउट दी मनी। तो चलिए फिर हम देखते हैं अपना कि हमारा कहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा। तो देखिए हमारा सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर कहीं है तो वो बिल्कुल 180 पे है, जो कि मैंने आपको आपको चेक भी करा दिया है कि हमारा सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, टेक्निकल्स भी वही बताते हैं और देखिए हमारा लो जो बना था वो भी यही बताता है। लेकिन अगर आप इसके सामने देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हमारी माइनस की वैल्यू है जो कि ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वीकनेस आ रही है सपोर्ट में, क्योंकि देखिए ये अगर माइनस होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पुट राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। और पुट राइटिंग होती है तो पुट राइटिंग का मतलब होता है कि वो लोग जो कि पुट सेलर हैं जिन्हें लगता है कि वैल्यू पर्टिकुलर स्ट्राइक से ऊपर रहेगी, यानी कि 180 पे अगर पुट राइटिंग हो रही है तो उसका मतलब उन्हें लगता है कि 180 से ऊपर जाएगा स्टॉक, और चूंकि देखिए यहाँ माइनस में वैल्यू लगी है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वैल्यू जो है 180 के नीचे ही रहेगी। लेकिन हम जब इसको देखते हैं प्रीमियम को, तो देखिए प्रीमियम जो है हमारा बढ़ रहा है और हमारा जो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो घट रहा है। तो अब इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हो रही है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब शॉर्ट सेलर या पुट राइटर्स अपनी जो होता है लॉस को रिकवर करके निकल जाते हैं मार्केट से, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है अगर हम बुल हैं तो, ठीक है। तो उससे हम चलते हैं 185 पे, क्या हो रहा है, देखिए 185 पे हमारा प्रीमियम भी बढ़ रहा है और देखिए हमारा जो वैल्यू है वो भी हमारी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि दोनों चीजें हमारी बढ़ रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया, हमारा प्रीमियम भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। और उसके सामने हम देखते हैं 180 के सामने हम जस्ट देखते हैं क्या हमारे सपोर्ट जो है वो बरकरार है कि नहीं। हाँ तो देखिए
हमारा रेजिस्टेंस भी वीक हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्की अनवाइंडिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके सामने देखेंगे तो जो वैल्यू लगी हुई है रेजिस्टेंस में वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा जो सपोर्ट जोन बना हुआ है वो अभी भी 180 है, एक मजबूत है। उसके अलावा अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो 170 भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, और हमारा सारी देखिए सपोर्ट जोन ही है 160, 165, 170। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबके सब थोड़े थोड़े सपोर्ट कमजोर हो रहे हैं, देखिए सब में माइनस वैल्यू लग रही है, ठीक है। हालांकि हमारा स्टॉक जो है वो वोलेटाइल है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको बस थोड़े बहुत फैक्ट्स पता चल जाते हैं कि हमारा कहां से कहां तक स्टॉक रह सकता है। तो इसमें देयर इज नो डाउट कि भाई 180 तो हमारा एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम रेजिस्टेंस को भी एक बार जांच लेते हैं कि हमारा सबसे मजबूत रेजिस्टेंस कहां है। तो देखिए हमारा सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है 200 पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, और उसके सामने देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस भी वीक हो रहा है, ठीक है। हमारा सपोर्ट ही वीक नहीं हो रहे हल्के से, जबकि रेजिस्टेंस भी वीक हो रहे हैं। उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा जो सपोर्ट है वो भी हल्का सा देखिए माइनस में वैल्यू लगी हुई है, अनवाइंडिंग हो रही है, जो कि यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग चल रही है 200 पे। तो देखिए हमारा सपोर्ट भी थोड़ा सा वीक हुए हैं, तो दोनों तरफा लगातार एक दूसरे की चीजों को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और देखिए यहाँ पे भी वीक हो रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी वीक हो रहा है। उसके ऊपर 195 पे अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ देखिये 190 और 195, इन दोनों पे देखिए कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हुई है, और हमारा स्टॉक हल्का सा यहाँ यहाँ पे मजबूत हुआ है। लेकिन उस तरफ से आप देखेंगे 190 और 195 यहाँ पर भी देखिए हमारा रेजिस्टेंस भी मजबूत हुए हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझिएगा, पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं 190 पे जहां हमारा प्रीमियम भी घट रहा है और हमारा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है देखिए वो भी वो जो है वो बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं फ्रेश पोजीशंस, यानी कि कॉल राइटिंग चल रही है यहाँ पे। 190 पे कॉल राइटिंग हो रही है, आपकी 195 पे भी कॉल राइटिंग हो रही है, उसी तरीके से 190 पे आपकी पुट राइटिंग हो रही है और 195 पे भी पुट राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग होना बुल्स के लिए अच्छा है, और 190-195 पे जो कॉल राइटिंग हो रही है वो बियर्स के लिए अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं फिलहाल। देयर इज नो डाउट कि भाई हमारा 180 तो अभी सपोर्ट है, और अभी इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 180 पे भी हमारा कहीं ना कहीं तो सपोर्ट कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी वीक हुआ है, ठीक है। और चूंकि इसने नहीं तोड़ा हमारा लो, तो हम इस चीज को पकड़ के भी मानेंगे कि अभी 180 के नीचे स्टॉक पर नहीं जाना चाहिए। और देखेंगे 180 पे जो है वो हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, देखिए 180 पे जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी सपोर्ट बन रहा है 185, और उसके सामने देखिए रेजिस्टेंस भी बन रहे हैं। आप इस चीज को भी समझिएगा, यहाँ पे 185 पे जो कॉल्स में रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ऑर्डर एड हुए हैं, ठीक है। आप देखिए 185 पे भी ऑर्डर्स ऐड हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स आके ऐड हुए हैं जिनकी क्वांटिटी काफी अच्छी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो वीक नहीं है, मजबूत है 185 पे। तो 182 पे भी हमारा स्टॉक है, और अब देखना होगा कि वो 185 को कल टच करता है कि नहीं करता, उसी से देखिए हमें पता चलेगा कि स्टॉक्स में किस तरीके का रुझान बन रहा है। हालांकि देखिए वोलेटाइल है, और मुझे लगता है कि जैसे ही ट्रेड शुरू होगा कहीं ना कहीं उसको 190 टच करना चाहिए, और 190 जो है टेक्निकल के हिसाब से पिवोट पॉइंट ने इसका रेजिस्टेंस दिखा रखा है, तो 190 तक इसको जाना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं, आपका सबसे मजबूत सपोर्ट जो है वो 180 है, और देखिए 185 भी आपका रेजिस्टेंस है और 190 भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको अगर ये पार करता है 190 तक, तो देखिए आप उसके बाद 195 और देखिए एक रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ कर रहा है, लेकिन एक सपोर्ट भी डेवलप है यहाँ पे, देखिए पूरे के पूरे 185 पे भी सपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, 190 पे भी, 195 पे भी, ठीक है। लेकिन 200 पे आने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे माइनस वैल्यू लगी हुई है पुट्स में, यानी कि हमारी यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो देखिए उसके सामने अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी वीक हो रहे हैं, यहाँ पर भी 200 पे कॉल में भी रेजिस्टेंस वीक हो रहे हैं, जो कि बुल्स के फेवर में है। तो देखिए स्टॉक अगर 190 तक भी पहुंचे कल और उसके बाद 190 को क्रॉस करता है, तो देखिए 200 कहीं ना कहीं एक वीक रेजिस्टेंस है, और इसको कहीं ना कहीं से टच करना ही चाहिए। और जिस तरीके का ट्रेड इसमें चल रहा है उससे देख के लग रहा है कि भाई लोग इसमें लगातार एक पॉजिटिव रुझान लेके बैठे हुए हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से भी इसमें गिरावट भी आई थी हल्की सी। तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। चलिए थैंक यू।